गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के बारे में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इनसे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस सेकंड के अंदर 3 चैप्टर पढ़े, एक की पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के अंदर 3rd चैप्टर जो हमारा है, फर्स्ट चैप्टर जस्टिस, न्याय के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद में सेकंड चैप्टर पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, ये सेकंड चैप्टर पढ़ा। और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्यार्थियों धर्म। अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजन। अब धर्म क्या है, किस प्रकार के धर्म की व्याख्या भारतीय दृष्टिकोण में की गई है, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, ये सारी बातें आज आपसे करेंगे। तो धर्म की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे पहले धर्म का अर्थ, धर्म शब्द अंग्रेजी के रिलीजन से बना है, जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास, आस्था व विश्वास। धर्म विद्यार्थियों लोगों का एक विश्वास है, विश्वास रखे तो धर्म है, विश्वास नहीं रखे तो उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब बात विश्वास पे टिकी हुई है, अब इसमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, सिर्फ विश्वास की बात है। नहीं मानने वाले नकारते भी हैं, मानने वाले स्वीकारते भी हैं। जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म की बात की जाए तो सनातन धर्म है हमारा, लेकिन कुछ बुराइयां हैं जिनमें कुछ मानते नहीं हैं। जैसे मूर्ति पूजा की बात करें, जिन पे कबीरदास जी ने कटाक्ष किया था कि पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांसे तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी लोगों का इस मूर्ति, पत्थर से बनी मूर्ति में इतना विश्वास है कि वे उस पत्थर को क्या मान बैठते हैं, भगवान मान बैठते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर एक पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा शुरू कर दूंगा जिसमें कितने पत्थर हैं, लाखों पत्थर हैं। तो पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं रे, चकी में लगा हुआ पत्थर भी इस मूर्ति के पत्थर से मैं पवित्र मानता हूं, क्योंकि चक्की में लगा हुआ पत्थर परोपकार का काम कर रहा है, वह लोगों को अनाज पीस करके दे रहा है, इसलिए अगर पूजा भी करनी है तो उस चक्की में लगे पत्थर की पूजा करनी चाहिए। यह पत्थर जिनकी आप पूजा करे हो, यह तो लेने का काम कर रहा है, देने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। कभी 5 रुपए की प्रसादी चढ़ाओ, कभी दूध चढ़ाओ, कभी दही चढ़ाओ, कभी पैसे चढ़ाओ, तो देने का काम है, देने का काम कुछ भी, लेकिन हम थोड़ी मानते हैं। जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति दिखी तो हमें तो हनुमान जी का रूप नजर आएगा, हम तो नमस्कार करके ही रहेंगे।
यानी यह क्या है, हमारा विश्वास है। तो विश्वास पे ही यह धर्म टिका हुआ है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के बारे में भी कबीरदास जी ने कटाक्ष किया था कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, तापे चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। एक तो कंकड़ पत्थर जोड़ के आप मस्जिद बनाते हो, उस पे चढ़ करके मुल्ला बांग देता हो अल्लाह बिस्मिल्ला हा, अरे क्या तुम्हारा भगवान बहरा हो गया जो जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तुम बांग दे रहे हो, इस बांग से तुम्हारा खुदा सुन लेगा क्या, क्यों आसपास के लोगों की नींद खराब कर रहे हो। और आजकल तो लाउड स्पीकर आ गए हैं, ठीक है ना, ऊपर चढ़ के बांग देने की जरूरत नहीं है, लाउड स्पीकर का स्विच ऑन किया और बांग देना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये उनका विश्वास है कि अजान देनी है तो इस प्रकार से जोर से लोगों को सजग करना होगा, लाउड स्पीकर से अजान देनी पड़ेगी। ये क्या है, उनका विश्वास है, आस्था है। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारा धर्म है ये किस पे टिका हुआ है, हमारे आस्था पे टिका हुआ है, हमारे विश्वास पे टिका हुआ। तो कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, तापे चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो भगवान कोई बहरा नहीं है, तो भगवान पत्थर में भी नहीं है, यानी सभी धर्मों पे कटाक्ष किया इन अंधविश्वासों के ऊपर। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, ये हमारा विश्वास ही है, तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन अगर हमारा विश्वास है तो हमें उनका वो रूप नजर आएगा, हमें उन विश्वास को मानना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, ये धर्म विश्वास की नींव पे टिका हुआ है, इसी के आधार पर लोग इनकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी विश्वास, ये हमारी आस्था है, जिनको लेकर के हम धर्म की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और महाभारत का एक कर्म फल आधारित बहुत ही पवित्र भाग जिन्हें गीता कहा जाता है, ये गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप विवेक प्रदान किया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार अच्छे कर्म करने को उद्यत हो, यही धर्म है। यानी प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप क्या दिया है, विवेक दिया है, और प्रत्येक व्यक्ति विवेक के अनुसार अच्छे कर्म करने को उद्यत हो, यही धर्म है। मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आज कंप्यूटर भी
मानव की कंप्यूटेशन नहीं कर सकता, उसे भी डायरेक्शन देने पड़ते हैं। तो ये विवेकशील प्राणी मनुष्य जो हैं अन्य प्राणियों से अधिक विवेकशील है। ये विवेक किससे मिला है? प्रकृति से, गॉड गिफ्ट है, नेचुरल है। ये जो हमें विवेक मिला है, इस विवेक का हमें उपयोग कैसे करना चाहिए? अच्छे कर्म करने को। अच्छे कर्म करने को उद्यत हो, ऐसे कर्म करने को हमें जो विवेक मिला है, वो अच्छे कर्म करने को हमें उद्यत बनाता है, तैयार करता है, और हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। मनुष्य जन्म अनमोल ले, तू मिट्टी में मत रोल ले। अब तो मिला है, फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, जैसे गाने भी सुने होंगे आपने धार्मिक। तो कहने का मतलब यार कर्म की बात है, आपको विवेक दिया है, उस विवेक का यूटिलाइज कीजिए, उनका सदुपयोग कीजिए और अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए जो मानव जाति के लिए हितकारी हो, मानव जाति के लिए परोपकारी हो, मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे कर्मों को करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि धर्म व्यक्ति में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। प्यारे विद्यार्थियों, धर्म व्यक्ति में पहले से व्याप्त होता है, लेकिन हमारे अंदर ही देवत्व है और हमारे अंदर ही राक्षस गुण है। हिंसा करो, किसी का बुरा करो, ये क्या है? राक्षस प्रवृत्ति है। और जीवों के प्रति दया रखना, परोपकार की भावना, अहिंसा, ये भी मनुष्य के अंदर ही तो होता है। हमारे अंदर ही राक्षस सोया हुआ है और हमारे अंदर ही देवत्व तो विद्यमान है। अब आप किस तत्व का यूटिलाइज करते हैं, उसके आधार पर आप में वो गुण प्रधान हो जाता है। विद्यार्थियों, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म तो व्यक्ति में पहले से व्याप्त है, लेकिन इस देवत्व जो हमारे अंदर, ये देवत्व का तत्व है, जो ये आध्यात्मिकता है, इनका विस्तार मात्र इन धर्म के माध्यम से होता है। धर्म के ज्ञान से हम देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है विद्यार्थी 2020 के अंदर। धर्म व्यक्ति में पहले से व्याप्त, देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है, कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। डॉक्टर राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन धर्म का सार इस बात में नहीं थे। धर्म का सार इस बात में नीत है कि आत्मा के आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक
विकास पर बल दिया जाए, तथा धर्म निरपेक्षता की ओर, तथा धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रसर हो, यानी धर्म का सार इस बात में निहित है कि आत्मा के आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाए। हमारी जो आत्मा है इनका आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इन पे बल दिया जाए। और जब आत्मा का आध्यात्मिक विकास होगा तो हमारे शरीर में आत्मा में निहित देवत्व का गुण अधिक एक्टिव होकर के काम करेगा, तो राक्षस प्रवृत्ति के गुण हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। संस्कार बढ़ेंगे और इन्हीं संस्कारों के माध्यम से हम सुसंस्कृत होंगे, और सुसंस्कृत होकर के इन देवत्व गुणों का विस्तार कर पाएंगे, और धीरे धीरे जो है हम किसकी ओर अग्रसर होंगे, धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें हमारे धर्म के अंदर निहित अच्छाइयों के साथ साथ दूसरे धर्म में निहित अच्छाइयों को भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बात जो है विद्यार्थियों, अलग अलग विद्वानों ने, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, ये सारी बातें जो हैं इन विद्वानों ने इस माध्यम से कहने का प्रयास किया कि जो सार जो हैं वो ये हैं कि हमारे आत्मा का आध्यात्मिक विकास हो और देवत्व तत्व की प्रधानता हो। अगर बात की जाए विद्यार्थियों इस धर्म की, तो धर्म का जो विकास है, आजकल जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, विकास की बात जो भी है, उन सब में ये देखते हैं, टेक्नोलॉजी की बात हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो, औद्योगिक क्रांति की बात हो, विकास की बात हो, विकसित देशों की बात हो, तो हम सीधे किसकी तरफ देखते हैं, पश्चिमी संस्कृति की ओर देखते हैं। लेकिन धर्म का विकास पूर्वी संस्कृति में हुआ, कहां हुआ, पूर्वी संस्कृति में हुआ, पश्चिमी संस्कृति में नहीं हुआ। पश्चिमी संस्कृति में आज भी लोग जो हैं धर्म निरपेक्षता पर अधिक बल देते हैं, वहां तो तत्रुक जैसे लोग हैं, वो तो जबरदस्त लोगों को धर्म से विमुख होने के लिए बाध्य करते हैं, तो ये पश्चिमी मॉडल पे लागू नहीं है। तो धर्म का विकास जो है विद्यार्थियों किसकी देन है, पूर्वी संस्कृति की देन है। आस्था विश्वास ये हमारी पूर्वी संस्कृति में देखने को मिलता है। भारत में अहिंसा, सद्गुण, परोपकार, त्याग, कल्याण, जीव दया को धर्म से जोड़ा गया है। भारत की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, नॉन वायलेंस की बात करें,
सद्गुणों की बात करें, न्याय की बात करें, परोपकार, त्याग, कल्याण, जीव दया, इन सब को हम किन से जोड़ करके देखते हैं? धर्म से जोड़ करके इन तत्वों को हम देखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो धर्म सभी जगह क्या माना गया है? धर्म सभी जगह पवित्र माना गया है। लेकिन यह पवित्रता सापेक्षवादी है। यह पवित्रता कैसी है? सापेक्षवादी है, यानी धर्म में पवित्र बातों को स्थान दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो ये जो पवित्रता है ये सापेक्षवादी है, निरपेक्षवादी नहीं है। सापेक्षवादी क्या है, निरपेक्षवादी क्या है? सापेक्षवादी का मतलब कुछ लोगों के लिए तो वो पवित्र है, लेकिन कुछ लोग उनको पवित्र नहीं मानते। हाँ, ये बात है। धर्म तो सब जगह पवित्र है, लेकिन धर्म की जो बातें हैं वो पवित्रता जो है वो सापेक्षवादी है। जैसे हिंदू धर्म के लोग गाय को पवित्र मानते हैं, तो मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं सूअर को पवित्र मानते हैं। तो ये पवित्रता क्या हुई? सापेक्षवादी हुई। हमारे लिए गाय पवित्र है उनके लिए नहीं है, उनके लिए सूअर पवित्र है हमारे लिए नहीं है। सापेक्षवाद का मतलब किसी के लिए है तो किसी के लिए नहीं है। निरपेक्षवाद का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी के लिए है। और सामाजिक धर्म जो है सामाजिक धर्म सभी को एक सूत्र में बांधता है। अगर सोशल रिलीजन की बात करें तो सामाजिक धर्म विद्यार्थियों सोशल रिलीजन सामाजिक धर्म सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास है करता है। और सामाजिक दृष्टि से एकता की बात जो है इस न्याय के अंतर्गत होती है। अब बात करें धर्म और धर्म निरपेक्षता की, धर्म व धर्म निरपेक्षता। विद्यार्थियों, धर्म और धर्म निरपेक्षता में गहरा संबंध है। धर्म निरपेक्ष वह राज्य है, धर्म निरपेक्ष वह राज्य है जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हो। तथा राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं हो। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता हो, धर्म निरपेक्ष वह राज्य है विद्यार्थियों जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हो। अपना खुद का कोई राज्य धर्म नहीं हो, राष्ट्रीय धर्म नहीं हो,
सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे और किसी धर्म के साथ में भेदभाव नहीं करे। हाँ, ये हो सकता है परोपकार के लिए, समाज हित के लिए कोई धर्म में गलत हो रहा है तो उसमें एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भेदभाव पर आधारित नहीं होगा। बिना भेदभाव के अगर किसी धर्म के विकास के लिए राज्य कोई सहायता दे रहा है तो वो सहायता देते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, समान दृष्टि से सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, धर्म निरपेक्ष राज्य वह राज्य हैं जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हो तथा राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं हो, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता हो। अगर ये इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और भारत की धर्म निरपेक्षता को, भारत की धर्म निरपेक्षता को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। 42वां संविधान संशोधन करके 1977 के अंदर हमारी प्रस्तावना के अंदर धर्म निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। आज धर्म निरपेक्षता जो है वो विद्यार्थियों हमारे संवैधानिक रूप ले चुकी है और 1997 के अंदर बॉम्बे बनाम भारत संघ विवाद के अंदर जो है धर्म निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा स्वीकार किया गया। अब इस धर्म निरपेक्षता के अंदर संसद विचार करके परिवर्तित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से ये जो सेकुलरिज्म है, भारत प्राचीन भारत की बात की जाए तो सेकुलरिज्म की भावना पवित्रता पर आधारित थी, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो ये धर्म निरपेक्षता की धारा दूषित हो गई है और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे इस आर्यावर्त की साख और प्राचीन हमारी संस्कृति के ऊपर कलंक लगाते जा रही है। सांप्रदायिकता की भावना, जितने लोग भारत के अंदर भले 1962 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, 99 का कारगिल युद्ध हो, इसमें शहीद नहीं हुए, इतने लोग बाबरी मस्जिद विध्वंस और गोधरा कांड और कई जो ऐसे दंगे हुए, इन दंगों के अंदर, सांप्रदायिक दंगों के अंदर मारे गए और धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, जो धर्म के आधार पर पलायन हुआ, हिंसा फैली, शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश ऐसी परिस्थितियों में आजाद हुआ हो। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, धर्म निरपेक्षता हमारी प्राचीन संस्कृति में है, हमारी मिट्टी में नित है। यह धर्म निरपेक्षता पश्चिमी अत्तातुर्क की धर्म निरपेक्षता नहीं है कि लोगों को मजबूर किया जाए कि आप कोई भी धर्म को नहीं मानेंगे और राज्य किसी को भी धर्म को नहीं मानने देगा, धार्मिक मान्यताओं को निरंकुशता के माध्यम से दमन करेगा। ऐसी धर्म निरपेक्षता हमारी नहीं है, सभी लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। यहां तक कि अल्पसंख्यक भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का निर्माण कर सके, इसलिए उनको तो और अधिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 से लगा करके 28 की बात करें, आर्टिकल 29 और 30 की बात करें, ये सारी बातें जो हैं वो भारत के अंदर सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, धर्म और धर्म निरपेक्षता के अंदर गहरा संबंध है, ये हमारी चर्चा हुई। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों धर्म और नैतिकता के बारे में। थैंक यू ऑल।